हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क रेगुलर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास सेवन्थ का चैप्टर फोर स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही करवा चुके हैं, जिसमें हम मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग के बारे में और बाबर के बारे में या उनके जो कैंपेन थे उनके बारे में हमने मिलिट्री कैंपेन थे उनके बारे में रीड किया। हमने बाबर के बारे में, उसके जो जो युद्ध थे उनके बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके सब के बारे में जो जो युद्ध उन्होंने किए थे, कितने एरिया पर इन्होंने कंट्रोल किया था, इन सब बातों के बारे में हमने रीड किया और मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स के साथ कैसे थे। आज हम मुगलों की जो सिस्टम था या व्यवस्था थी, मनसबदार और जागीरदार, उनके बारे में रीड करेंगे, किस टाइप की उनकी व्यवस्था थी। तो व्हाट इज मनसबदार या जागीरदार, क्या थी ये सब बातें। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकंपास डिफरेंट रीजन, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल्स। जैसे जैसे मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य फैलता गया डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में, तो मुगल्स ने क्या शुरू किया बेटा, भर्ती करना शुरू कर दिया बॉडी ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, चलाने के लिए लोगों को उन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्कीज, पहले थोड़े से टर्की नोबल्स होते थे, यानी कि तुर्की के लोगों को ही सरदार बनाया जाता था, जिनको हम तुरानी कह सकते हैं या तुरानी कहा जाता था। मुगलों के पास पहले सिर्फ तुर्की सरदार होते थे, जिनसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाते थे। दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड्स ईरानी, बाद में ये फैलते हुए किन किन को शामिल किया गया, ईरानियों को शामिल किया गया, इंडियंस को, मुस्लिम्स को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठाज को एंड अदर ग्रुप्स, और दूसरे समूह को भी उन्होंने अपने सरदारों में शामिल किया, क्योंकि इनका एरिया था, जो हमने ऊपर मैप में पढ़ा था, इनका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो इस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हर टाइप के लोगों को ही अपने सरदारों की उसमें शामिल कर लिया। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल एज मनसबदार, इनकी जिन लोगों ने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उन लोगों को क्या दर्जा दिया गया, मनसबदार का दर्जा दिया गया। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल्स हु होल्ड ए मनसब, यानी कि जो एक व्यक्तिगत रूप से एक मनसब पर, यानी कि एक पद पर बना रहता था, उसको बोलते हैं मनसबदार। मनसब का मतलब यहाँ है कि रैंक से लिया गया है, मीनिंग है पोजीशन और रैंक, यानी कि एक स्थिति या पद का मिलना, रैंक का मिलना। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल, ये सिस्टम किसके द्वारा चलाया गया था, मुगलों के द्वारा चलाया गया था, जिसमें तीन बातों को फिक्स किया जाता था। फर्स्ट रैंक, यानी कि व्यक्ति की रैंक क्या है, सेकंड उसकी सैलरी, और थर्ड इज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन बातें हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता, फर्स्ट उसके रैंक पे, सेकंड उसकी सैलरी पे, थर्ड उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाते, जो रैंक है या सैलरी है किस आधार पर दी जाती थी, तो वो किसके वैल्यू पे, जट की, जी ZAT, जिसको हम जात भी बोल सकते हैं, इनकी जिस मनसबदार के पास जितनी ज़्यादा जातें होंगी उसके आधार पर उसकी सैलरी और उसका रैंक दिया जाता था। जैसे आजकल हम किसमें देखते हैं, आर्मी में देखते हैं कि बड़े पद पर सबसे बड़ा ऑफिसर है, फिर से नीचे, फिर से नीचे, तो उस टाइम पर भी जातों के आधार पर ही उनकी जो रैंक वो तय की जाती थी। जो हायर द जात, जिसके पास सबसे ज़्यादा जात होती थी, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट, यानी कि राजा के दरबार में उसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था, एंड द लार्जर ही सैलरी, और उसकी सैलरी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। अब यहाँ साइड में हम देखेंगे कि क्या होती है रैंकिंग, नोबल विद ए जेट ऑफ 5,000, जिस सरदार के पास 5,000 से ज़्यादा क्या होती थी, जाते होती थी, तो उसका रैंक हायर देन 1,000, यानी कि जिसके पास 1,000 होती थी उससे ज़्यादा होता था, यानी 5,000 वाले का क्या, जिसके पास 5,000 जात होती थी उसका रैंक ज़्यादा होता था। तो अकबर के टाइम पे ये जातें मनसबदारों में बांटी जाती थी, मनसबदार कितने थे, 29, किसके टाइम में, अकबर के टाइम में। तो जो 5,000 जात थी वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक वाला होता था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे ये मनसबदार कितनी संख्या में बढ़ चुकी थी, 79 हो चुकी थी, तो धीरे धीरे ये उनका स्टाफ था बढ़ता जा रहा था।
ओके द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार एंड कैवलरी मैन। मनसबदार क्या काम था उसका, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, मिलिट्री सेना के उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी संभालना था, क्या मेंटेन रखना, अपनी सेना को मेंटेन रखना, सेना के अंदर जो घुड़ सवार होती थी, सवार या कैवलरी मैन यानी कि जो सेना में घोड़ों पर लड़ते थे। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन किसको फॉर रिव्यू, जांच पड़ताल के या देख रेख। अब हम द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन, जो मनसबदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, सेना के अंदर मेंटेनेंस बनाए रखना, उसके अंदर ये ध्यान रखना कि कितनी संख्या में सवार या कैवलरी मैन की आवश्यकता है। मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, जो कैवलरी मैन या सवार थे उनकी देखरेख करता था, उनकी जांच पड़ताल करता था, उनको रजिस्टर करता था, पंजीकृत करता था, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड उनके जो घोड़े होते थे वो किस ब्रांड के हैं इस बात को भी देखता था, एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज ए सैलरी, और उसके बाद उसके रिसीव करता था धन को, मनी को, उनको सैलरी देने के लिए, रिसीव किसे, राजा से करता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रिवेन्यू, मनसबदार को सैलरी कहाँ से मिलती थी, रेवेन्यू असाइनमेंट्स काल जागीर, जो राजस्व असाइनमेंट था यानी कि जो लगान था उन जागीर के तौर पर उसको मिलता था, जो विच सम वट लाइक इकता, जिसको कई बार इकता के नाम से भी जाना जाता है, वट अनलाइक मुक्ति, लेकिन जो मुक्ति है चीज के हमने पिछले लेसन के बारे में जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड ऑन इन एडमिनिस्टर देयर जागीर, यानी कि कई मनसबदार थे जो वास्तव में वहाँ नहीं रहते थे, किसी अलग जागीर की प्रशासन को संभालते थे, ऐसा नहीं कि जहाँ का व्यक्ति है वहीं उसको जागीर मिली और वहीं का प्रशासन संभालता, दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर बाई देयर सर्वेंट, यानी कि मनसबदार अपने सर्वेंट्स के द्वारा, दासों के द्वारा उस एरिया के रेवेन्यू को इकट्ठा करता था, लगान को इकट्ठा करता था, वाइल मनसबदार देमसेल्व्स सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द, लेकिन खुद मनसबदार किसी हिस्से में या देश के किसी दूसरे हिस्से में सेवा कर रहा होता है या काम कर रहा होता है। इन अकबर रीजन दीज जागीर वर केयरफुली, अकबर के टाइम पे जो ये जागीर थी केयरफुली असेस सो दैट देयर रिवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को ध्यान से केयरफुली क्या किया जाता था, आकलन किया जाता था, क्या करने के लिए, ताकि जो वेतन दिया जाता है वो मनसबदार के वेतन के जो राजस्वार है उसी के अकॉर्डिंग ही मनसबदार को क्या दिया जाए, सैलरी दी जाए बाई औरंगजेब रीजन, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे वॉज नो लॉन्गर द केस, ये मामले इतने लंबे नहीं चल पाए, द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड जो वास्तव में रिवेन्यू कलेक्ट होता था, इकट्ठा होता था, लगान इकट्ठा होता था, वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, यानी कि जो धन इकट्ठा होता था उनके बदले में उनको बहुत कम मात्रा में क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी मनसबदारों को। देर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन ए नंबर ऑफ मनसबदार, क्यों कम होगी थी उनकी सैलरी, क्योंकि जो मनसबदार की संख्या है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी, मनसबदार ज्यादा हो चुके थे जिसके बारे में पीछे पढ़ा था, विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव डे, उनको लंबे इंतजार करने पड़ते थे, लंबे समय से इंतजार करना पड़ता था क्या रिसीव करने के लिए, जागीर रिसीव करने के लिए। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएट ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, कुछ रीजन है जिनके कारण जागीरों की शॉर्टेज या कमी होती जा रही है, एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एग्जर्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाई दे हैव एड जागीर, तो कई मनसबदारों ने क्या किया, इन्हीं कारणों से जागीरों की संख्या में क्या होती जा रही थी, कमी होती जा रही थी, तो जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा क्या वसूल करें, रेवेन्यू वसूल कर सकें, वो ये नहीं देखते थे कि लगान देने वाले की कंडीशन क्या है, सिर्फ उनको तो लगान वसूलने से मतलब था, किसको, जागीरदारों को। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर, यानी कि जब वो अपने शासनकाल का जब लास्ट ईयर चल रहा था तो उस टाइम पे वह इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, एंड द पीसेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रीमेंडिसली, यानी कि जो किसान थे उस टाइम के उनको बड़ी मुसीबतों का या ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जब्त एंड जमींदार, अब हम मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे जब्त क्या है, जमींदार क्या है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम है उसको बोलते हैं जब्त, और जमींदार जो इकट्ठा करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स, यानी कि मुगल शासकों के पास इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो क्या था,
रेवेन्यू था, टैक्स था ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट्री, किसानों का जो उत्पादन था, जितना किसान उत्पादन करते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। इन मोस्ट प्लेसेस, कई स्थानों पर पीसेंट पे टैक्स थ्रू द रूरल एलिट्स, यानी कि जो शासकीय अधिकारी होते थे उनको टैक्स पे करते थे। दैट इज द हेडमैन, वो हेडमैन भी हो सकता था, लोकल चीफटेन भी हो सकता था, यानी कि मुखिया भी हो सकता था, गांव का हेडमैन भी हो सकता था। मुगल्स यूज वन टर्म, उन सब के लिए मुगलों में एक ही वर्ड यूज किया जाता था, वो वर्ड है जमींदार वर्ड्स, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमेडियरीज वट एवर देवर लोकल हेडमैन्स, यानी कि चाहे वो लोकल हेडमैन विलेज का है या पावरफुल चीफमैन है, उन सब के लिए एक ही वर्ड का यूज किया जाता था जिसको बोलते थे जमींदार। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अभी अभी यहाँ रीड करेंगे, जो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, राजस्व मंत्री था, उसका नाम था टोडरमल, कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। वो क्या किया करता था, सर्वे करवाता था किसका, फसलों का, किसानों की पास कितनी फसलें हैं, प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड, 10 सालों का कल्टिवेट जो एरिया था उसकी एरिया को ध्यान से केयरफुली से क्या करता था, उसकी जांच पड़ताल करवाता था, उसकी कीमत लगाता था 1570 से 1580 के टाइम पीरियड में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, जो डाटा इकट्ठा किया जाता था, टैक्स वाज फिक्स्ड, टैक्स को क्या करते थे, फिक्स्ड कर देते थे, फिक्स तय कर देते थे इस क्रॉप्स इन कैश, यानी कि जो प्रत्येक फसल है उस पर कैश लिया जाता था, नकद पैसा लिया जाता था। ईस्ट प्रोविंस वाज डिवाइड इनटू रेवेन्यूज, जो प्रांत थे उसको बांटा जाता था अलग अलग एरिया में रेवेन्यू लेने के लिए, रेवेन्यू सर्कल में बांटा जाता था। ऑन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, यानी प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से फसल पर क्या लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में जो जितनी फसल उगाता है उस फसल पर ही क्या देता था, वो टैक्स देता था। द रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जत, इस सिस्टम को क्या नाम दिया, जत नाम दिया। इट वॉज प्रीवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, यानी कि जिस एरिया पर किसका कंट्रोल था, मुगलों का कंट्रोल था, उस एरिया का सर्वे करवाया गया, उस जमीन का सर्वे करवाया गया और उनका बिल्कुल ध्यानपूर्वक व्यवस्था रखी गई। दैट दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, लेकिन जो बड़े बड़े प्रांत थे जैसे गुजरात और बंगाल, वहाँ इस तरह का सर्वे करवाना मुश्किल था। अब यहाँ देखें हम, यहाँ लोगों में क्या था, फिगर सिक्स में मिनिएचर फॉर्म शाहजहाँ रीजन डेपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो शाहजहाँ के टाइम में मुगलों के अंदर क्या हो गया था, करप्शन स्टार्ट हो चुका था, कि एक अधिकारी को क्या देते हुए, रिश्वत देते हुए दिखाया गया है। और नीचे यहाँ देखो, यहाँ पर एक गरीब किसान से रेवेन्यू लेने के लिए उसको पिटाई की जा रही है। तो ये सब करप्शन किसके टाइम पे दिखाया गया है, शाहजहाँ के टाइम पे। अब हम रीड करेंगे, इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ एरिया में जमींदार इतने पावरफुल बन चुके थे कि वह प्रशासकों द्वारा, कुछ एरिया में इतने क्या बन चुके थे, पावरफुल बन चुके थे कि क्या करने शुरू कर दिया था, ग्रेट डील ऑफ पावर, उनके पास क्या आ चुकी थी, पावर आ चुकी थी, शक्ति आ चुकी थी, यानी कि अपने अधिकारों को यूज करने की पावर। द एक्सप्लोइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रेवेन्यू, यानी कि मुगल अधिकारियों द्वारा या प्रशासकों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू कर दिया, विद्रोह कर दिया, किसने, जमींदारों ने। समटाइम जमींदार एंड पीसेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड, कुछ जमींदार और जो किसान थे वो एक ही जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रेबलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिया मुगल अथॉरिटी या सत्ता के खिलाफ। दिस पीसेंट रिवोल्ट चैलेंज द सेटेबिलिटीज ऑफ मुगल एम्पायर, जो ये विद्रोह हो रहे थे ये किसके लिए चैलेंज बन चुके थे, चुनौती बन चुकी थी मुगल एम्पायर के लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, कब, 17th सेंचुरी के एंड में। अब हम एक बुक का नाम है अकबरनामा और आईने अकबरी, जो बुक अकबर के बारे में लिखी गई थी, एक राइटर का नाम है अबुल फजल, उसके द्वारा लिखी गई। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अबुल फजल है, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, यानी कि उसके 3 अलग अलग पार्ट बनाए गए थे जिसके 3 जिल्द में बोल सकते हैं।
जिसका टाइटल क्या है, अकबरनामा। क्या है? अकबरनामा। फर्स्ट में जो रिकॉर्ड रखा गया था, इवेंट ऑफ अकबरी, जो जो घटनाएं थी, क्या थी? इवेंट ऑफ द अकबर रीजन, सॉरी। सेकंड में, थर्ड में द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट ऑफ अकबर, जो वंशज थे अकबर के उनके बारे में। सेकंड वॉल्यूम में रिकॉर्ड ऑफ इवेंट के बारे में। थर्ड में जो थी आईने अकबरी, थर्ड बुक का नाम स्पेशल रखा गया आईने अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था, उसकी आर्मी के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, उसकी ज्योग्राफी कंडीशन कैसी थी उसके बारे में। इसके अंदर प्रोवाइड क्या हुआ है कि रिच डिटेल, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल के बारे में बताया गया। ट्रेडिशन, वो कहाँ के, कौन सी परंपराएं थी, वहाँ की कल्चर कैसी थी, और यहाँ लोग जो इंडिया के अंदर रहते हैं उन सब के बारे में कौन सी बुक में, आईने अकबरी के बारे में बताया गया है। आईने अकबरी रिच स्टैटिकल्स डिटेल्स दी गई है, जिसमें क्रॉप्स के बारे में, यील्ड के बारे में, प्राइसेस में, वेजेज, रिवेन्यू, इन सब के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है अकबरनामा? अबुल फजल के बारे में। ओके, अब ये पिक्चर यहाँ दिखाई गई है, जिसमें अबुल फजल किसको क्या दे रहा है, अकबर को ये बुक दे रहा है, कौन सी? आईने अकबरी। एक क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी, अब हम ध्यान से देखेंगे कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, नीतियाँ क्या थी। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर, अकबर के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी नीतियों को लागू किया गया था, जो उसके प्रशासन की मेन विशेषताएं थी। एलाबोरेटली डिस्कस बाय अबुल फजल, वो सारी बातें किससे डिस्कस करते थे? अबुल फजल जो राइटर था, जो बुक है अकबरनामा में बताई गई है। पार्टिकुलर लास्ट वॉल्यूम जो तीसरा पार्ट था आईने अकबरी, उसमें सभी बातों के बारे में बताया गया है। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। अबुल फजल ने क्या बताया गया है कि जो उसका एरिया था एम्पायर, उसको डिवाइड किया गया है प्रोविंसेस में, जिसको सूबा बोलते जाते हैं। गवर्नर बाय सूबेदार, उस एरिया को शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? सूबेदार के। कौन कौन से ध्यान रखता था वो? पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन। सूबेदार किन कामों को देता था? मिलिट्री फंक्शन और पॉलिटिकल। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रत्येक प्रोविंस में, प्रांत में क्या होता था? ऑफिसर होता था, जिसको क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, उसका क्या काम था? शांति और आदेशों को मनवाना, यानी कि इस एरिया पर उस सूबेदार का कंट्रोल है, उस एरिया में शांति बनाए रखना, और जो आदेश है राजा के, उन आदेशों को लागू करना। सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, यानी कि जो सूबेदार का जो दूसरे ऑफिसर होते थे वो भी इसकी बातों को मानते थे। सच एज मिलिट्री पे मास्टर, तो दूसरे अधिकारी कौन कौन से थे जिसको बख्शी बोला जाता था? मिलिट्री पे मास्टर एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, यानी कि धर्मों का जो इंचार्ज होता था, चैरिटेबल पेट्रोनेज, जिसको सदर बोलते थे, एंड मिलिट्री कमांडर, जिसको फौजदार बोलते थे, और पुलिस कमांडर को कोतवाल बोलते थे। ये उस टाइम के अधिकारी होते थे जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे बख्शी एंड सदर एंड फौजदार एंड कोतवाल। अब नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, तो जहांगीर के दरबार में नूर जहां की इम्पोर्टेंस क्या थी, इसके बारे में रीड करेंगे। तो इसमें दिखाया गया है जो एम्परर थे जहांगीर, उसने 1611 में रिसीव द टाइटल, नूर जहां ने टाइटल मिला था, उसका नाम था मेहरुसीना नाम था, बाद में उसको सुंदरता के कारण उसको कौन सा टाइटल मिला? नूर जहां का। एक्सट्रीमली लॉयल थी, वो वफादार थी एंड सपोर्टिव थी, किसका साथ देती थी? राजकुमार का, जहांगीर का। मार्क ऑफ ऑनर सम्मान में जहांगीर स्ट्रिक्ट स्ट्रक सिल्वर कॉइन, क्या बनवाए? चांदी के सिक्के बनवाए। बेयरिंग इज ओन टाइटल, उसका टाइटल रखा, एक साइड में अपनी तस्वीर और दूसरी साइड में नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस मिली थी नूरजहां को। एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर फरमान, नूरजहां के फरमान जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, नूरजहां के द्वारा फरमान दिए गए, आदेश दिए गए हैं। स्केयर सील, स्केयर ये सील जो है ये मोहर है, क्या बता रही है? कमांड्स ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एविलेटेड मैजेस्टी नूर जहां पातशाह बेगम, यानी कि किसके द्वारा बताई गई है? नूर जहां बेगम के द्वारा। जो राउंड सर्कल है ये क्या बता रही है? बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर सी बिकम ए ब्रिलियंट एज द नूर जहां पातशाह, यानी कि शाह जो बादशाह जहांगीर था उसके द्वारा उसको बहुत ही क्या दी गई है, सम्मान दिया गया। तो ये सब नूरजहां के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अकबर नोबल्स कमांडेड, जो अकबर के सरदार थे, लार्ज आर्मी यानी बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे, हैड एक्सेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और बड़ी मात्रा में क्या इकट्ठा किया जाता था? लगान इकट्ठा किया। व्हाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंसली,
बट दे बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी वो अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार थे, लेकिन 17th सेंचुरी के लास्ट तक मैनी नोबल हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट, यानी बहुत सारे सरदार अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, एंड देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर, लेकिन वफादारी तो अब भी किसके प्रति थी, सम्राट के प्रति, वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र करने के बाद थोड़ी सी क्या आ चुकी थी, कमी आ चुकी थी। अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570, अब ये फतेहपुर सिकरी एक जगह का नाम है, जो 1570 में स्टार्टेड डिस्कशन, क्या शुरू कर दिया, डिस्कशन रिलीजन धर्म के आधार पर, किस किस के साथ डिस्कशन किया, उलेमा जो मुस्लिम ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो हिंदू ब्राह्मण हैं, जीसस क्राइस्ट ईसाई जो पुजारी होते हैं, रोमन कैथोलिक और जोरोस्ट्रियंस, यानी कि सभी धर्मों के पुजारियों से उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। क्यों करना ऐसा किया, इंटरेस्ट इन द रीजन, क्योंकि उसका धर्म में इंटरेस्ट था, रुचि थी, सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की जो रीति रिवाज थे उनमें उसका इंटरेस्ट था, अकबर इंटरेक्शन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, लोगों के अलग अलग विश्वासों में, वो मानता था कि लोग अपने धर्म में विश्वास करते रहे, एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज रिचुअल डोगमा वर ऑफन बायगोट, जो धार्मिक पुजारी थे जिनको डोगमा और बायगेट बोला गया है, द टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन इन शिक्षाओं से, यानी कि अलग अलग धर्म की शिक्षाओं से डिवीजन एट डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट, उसकी जनता के अंदर क्या शुरू हो गया था, भेदभाव शुरू हो गया था या बंटवारा शुरू हो गया था। अब हम ये साइड के वर्ड देखेंगे, व्हाट इज डोगमा, एंड डोगमा क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है एंड इंटरप्रिटेशन है, डिक्लेयर्ड यानी कि राजा के द्वारा कोई एक वाक्य दिया गया, स्टेटमेंट दी गई है, विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलो विदाउट क्वेश्चन, यानी कि जो भी स्टेटमेंट राजा ने दे दी उसको बिना कोई सवाल उठाए उसको मान लेना ही क्या है, जिसका मतलब अंधविश्वास, यानी कि लोगों का विश्वास राजा पर अंधा होता था, वो उसकी बात को मान लेते थे। अब बैगेट क्या है बेटा, इंडिविजुअल हु इज इंटोलरेंस ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर, यानी कि किसी की बात को धर्म को अच्छी तरह से मान लेना ही बैगेट्स है। अब ये दिखाया गया है इबादत खाना, यानी कि हम क्या है कि जहां पर बैठकर अकबर सभी धर्मों के पुजारियों से डिस्कशन करता था, इस जगह को क्या बोलते थे, इबादत खाना। तो इन सब बातों को करने के लिए क्या बनाया गया, एक सुलह कुल नाम की संस्था बनाई गई थी, अकबर टू आइडिया सुलह कुल, एक विचार दिया गया अकबर को, यूनिवर्सल पीस, इसका मतलब होता था पूरे वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना, इस शांति को बनाए रखने के लिए द आइडियाज ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंस रिलीजन इन दिस रिलीजन, यानी कि इसके द्वारा किसी भी धर्म के लोगों में आपस में भेदभाव नहीं होगा, इंस्टेड इट्स फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, क्योंकि जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं उनमें ये बताया गया है, ऑनेस्टी जस्टिस पीस, यानी कि अकबर का जो शासन काल था उसमें ईमानदारी थी, न्याय भी था और शांति थी, वो सुलह कुल के द्वारा वो इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहता था, दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, उन्होंने कहा कि जहां जहां मुगलों का कंट्रोल है ये वहां वहां ये बातें लागू की जाएंगी। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नमेंस, इस तरह का जो विजन है वो तैयार करने में, फ्रेम करने में किसने मदद की, अबुल फजल ने, किसकी, अकबर की। आइडिया ऑफ सुलह कुल का जो आइडिया था किसके द्वारा दिया गया था, अबुल फजल के द्वारा, दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर और शाहजहां, यानी कि इस सिद्धांत को अपनाया गया किसके द्वारा, शाहजहां और जहांगीर के द्वारा। तो ये सुलह कुल के बारे में जागीर के द्वारा लिखा गया है कि सुलह कुल के द्वारा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एरेक्टर, यानी कि इसके बाद 17th सेंचुरी के बाद जो मुगल एम्पायर था साम्राज्य उसका क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पर्टी, यानी कि मुगलों का जो साम्राज्य था उसके अंदर आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि बहुत ज्यादा थी, इंटरनेशनल ट्रेवलर थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे, डिस्क्राइब एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, यानी कि यहाँ संपत्ता से भरी जमीन के बारे में बताया गया है, बट दीज सेम विजिटर उसी समय के कुछ यात्रियों के द्वारा ऑल्सो एपल्ड एज स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ के राज्य को बहुत गरीब बताया गया है, यानी कि दोनों प्रकार की कंडीशन थी, जिन लोगों से टैक्स लिया जाता था वो बहुत ज्यादा गरीब थे और जो टैक्स इकट्ठा करते थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, तो दोनों कंडीशन यहाँ बताई गई है।
दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस, यानी कि एक दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थी, विपरीत थी। द इन इक्वालिटीज वर ग्लेरिंग, असमानता भरी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20 ईयर्स ऑफ शाहजहां रीजन इन्फॉर्मर्स, जिनकी शाहजहां ने जो 12 साल तक यहाँ रूल किया था, दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, यानी कि वह मनसबदारों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, ओनली 445 नंबर आउट ऑफ टोटल 8,000। दिस स्मॉल नंबर इज नियर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार रिसीव्ड 6.5% ऑफ टोटल एस्टिमेट रिवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। इसमें क्या बताया गया है, जो शाहजहां के डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट से हमें क्या पता चलता है कि मनसबदार थे जिनको ऊंच पद प्राप्त होते थे, ऊंच रैंक मिलता था, वो 8,000 में से कितने थे, 445 थे। इन मनसबदारों की जो संख्या थी 5.6% साम्राज्य की अनुमानित जो कर लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, वो ज्यादा हिस्सा किसके पास होता था, 61.5% टोटल एस्टिमेट का एम्पायर सम्राट के पास जाता था, और बाकी क्या किसके दिया जाता था, जो सवारों को, जो सेना के अंदर सवार हैं, ट्रूपर्स हैं, उनको सैलरी के रूप में दिया जाता था। द मुगल एम्परर्स, जो मुगल सम्राट हैं, देयर मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को किस में बांट देते थे, सैलरी के तौर पर, एंड गुड्स लोगों को वस्तुएं भी देते थे। दिस एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट द आर्टिसन एंड पीसेंट्री, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ था, शिल्पकारों को और पीसेंट्री किसानों को, अमीर किसानों को। वो सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, यानी कि जो वस्तुएं बेचते थे या जो उत्पादन किसान करते थे वो बेचते थे। बट द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का थोड़ा सा हिस्सा भी उनके पास नहीं बचता था कि वो इन्वेस्टमेंट कर चुके अपने अपने लिए, अपनी प्राइमरी प्रोड्यूसर करने के लिए, वो उनके पास इतना थोड़ा सा पैसा भी नहीं बचता था वो अपनी आप लगा सके। द पीसेंट एंड द आर्टिसन, जो शिल्पकार थे या किसान थे, पुअरेस्ट अमंग देम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बिल्कुल ही कम धन बचता था, दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग द एडिशनल रिसोर्सेज, यानी कि अगली फसल उगाने के लिए भी वो उनके पास पैसा कम पड़ जाता था। टूल्स और सप्लाई, यानी कि अपने औजार भी खरीद नहीं पाते थे, और सप्लाई, वस्तुओं को सप्लाई करने का इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने में वो सक्षम नहीं थे। ये गरीब लोगों के थे, और कुछ अमीर लोग थे जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और उनको वेतन मिलता था। द वेल्दियर पीसेंट्री, जो कुछ अमीर किसान थे, एंड आर्टिस्ट, जो शिल्पकार थे, मर्चेंट थे, बैंकर थे, प्रॉफिट इन दिस इकोनॉमिक, उस समय की आर्थिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ इन लोगों को पहुंचा था। द इनोमर्स वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलिट्स मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लास्ट 17th century। 17th century के लास्ट के सालों में जो कुछ ही लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, यानी कि मुगलों के अधिकारी थे, वो उनके पास बहुत ज्यादा धन और रिसोर्सेज, संसाधन इकट्ठे हो चुके थे। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, इस प्रकार जो मुगल सम्राट था उसकी सत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हिज सर्वेंट एमर्ज ए पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन, अलग अलग एरिया में उसके जो पावरफुल व्यक्ति थे वो अपने आप को और पावरफुल बनाते जा रहे थे, शक्तिशाली बनाते जा रहे थे, और मुगल की सत्ता को मानने से मना कर रहे थे। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डेंसिटी, उन्होंने अपना नया वंश बना लिया था, एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों पर अलग से अपनी कमांड शुरू करती थी। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर, फिर भी वो अब भी मान्यता किसको देते थे, मुगल एम्परर को, जो कहाँ बैठा था, दिल्ली के अंदर, जो उनका मालिक मेन था वो अभी कौन था, मुगल सम्राट था, लेकिन जहां जिस प्रांत पर वो रूल कर रहे थे वहां वो स्वतंत्र हो चुके थे। हेड consolidated their independence political identities, we will read more about them in chapter 4। ये जो स्वतंत्र अलग से रूल, स्वतंत्र होकर अलग से रूल शुरू किया था अलग अलग प्रांतों पर, इन सब के बारे में डिटेल से हम कब चैप्टर 10 के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना।